नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं नेशनल ट्रैवलर। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान। राजस्थान का नीमका थाना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर खेतड़ी मोड़ नामक एक जगह है। उसी खेतड़ी मोड़ के आसपास में सिंगी वालों का एक मोहल्ला पड़ता है। उस मोहल्ले में ये कुछ लोग रहते हैं, गरीब तबके के, जिनके मतलब मकान कुछ इस तरीके से कच्चे झुग्गी झुपड़ियां बनी हुई हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पर ये निवास कर रहे हैं। इनके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे इनका रहन सहन है, क्या रीति रिवाज हैं, क्या इनका खान पान है और दिन भर इनका कैसे मतलब गुजारा ये करते हैं, वो थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार, और आप नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? अशोक सिंगीवाल। अशोक सिंगीवाल जी, आप सह परिवार यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? सर, काफी साल से रह रहे हैं। आपकी कितने मतलब आपके बुजुर्ग यहाँ पर थे क्या? हमारे हमारे दादा बाप खानदान यहाँ पे सर खत्म। हाँ, इसी बदौलत आपकी ये जमीन भी आपके नाम है, हमारे नाम है। ये सबसे बड़ी बात मैंने देखी आज तक पूरे इंडिया में। मैंने बहुत सारी जो घुमक्कड़ जनजातियां भी आपको दिखाई है, लेकिन ये स्तर है, इनके नाम से यहाँ पर जमीन है। तो ये एक अच्छा विषय है, लेकिन इससे चलकर आगे हम देखें तो क्या समस्याएं इनके जीवन में हैं, ये थोड़ा सा मैं जानकारी ले लेता हूँ। आपको यहाँ पर रहने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, दिक्कतें बारिश आती है तब पूरा मकान और पूरी तिरपाल है ये हमारी झुग्गी झोपड़े सर, पूरे झुग्गी झोपड़े सारे भर जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, माचे पे बैठ जाते हैं और बारिश में इतना पानी हो जाता है सर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे मकान है सर, वो मकान बारिश में हो जाता है, पानी पास होता नहीं है सर। अभी कोई आदमी तुम्हारा ये वीडियो देखे, तुमसे मिलना चाहे, तो क्या क्या समस्याएं हैं जेन्युइन, जो समस्याओं का आप समाधान चाहेंगे? सर, समाधान ये है हमारा, देखो ये पानी का ये व्यवस्था करो सर, जो बारिश आती है पूरे मकान भर जाते हैं, और बिजली का जो बिल है सर, गरीब आदमी मांगने खाने वाले आदमी है सर। देखो भाई, राजस्थान में बिजली का बिल कितने साल कितने दिन से आ रहा है ये सर? काफी साल हो गए इनको, हमेशा बिल आया, बिल आता कभी 10,000 का नहीं हुआ, कभी 15,000 का, बिल्कुल बंद कर दिया। नहीं सर, नहीं करा था सर, हमारे सरों से आ रहा है ये बिल। ये बड़ा आश्चर्यजनक मैंने पहली बार सुना है। पिछले गहलोत सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, बहुत सारे बिजली बिल माफ हो गए थे, मैंने भी देखे हैं, जीरो बिल आए थे, लेकिन इन लोगों का कहना है, हमारा हमारा जीरो बिल नहीं आया सर, जीरो बिल अभी पीछे करा था ना। ये बड़ा आश्चर्य, हमारे पैसे आए हैं। अच्छा, और सब 5,000 कदे, 7,000 कदे, 8,000, क्या चलाते हो ऐसा? इतने बिजली का खपत होती है? ये कुछ नहीं है, झुग्गी है, देखो भाई, यही है सर, कोई हीटर हाटर तो नहीं? नहीं सर, क्या मशीन है, गरीब आदमी मांग तोड़ के खाना खाते है। चूल्हा है साहब, ये मिट्टी का, इस पर रोटी बनाते हैं, इतना गैस भी नहीं चलाते हैं सर, और ये चूल्हा है मिट्टी का। अच्छा, उस पे इन पे बनाते हैं। गैस आपके पास में है? आपके नाम से सबके पास में है? हाँ, गैस है सर। ठीक, वो ये सर, अब पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं सर, पैसे देते। फ्री भी मिले थे तो उस टाइम में भी कुछ पैसे दिए थे आपने? 2,000 फ्री मिले थे जब लगे। अच्छा, नाम फ्री का हुआ, 2,000 रुपए जमा कर दिया सर। किसको दिया आपने 2,000? कंपनी में, यही जेंट्स वाले को। और वो क्या बोला, फ्री वाला दे रहा हूँ? हाँ, 2,000 तो मतलब ऐसे भी समस्या है, 2,000 रुपए ले लिए, बोले फ्री। उज्ज्वला का आपको कनेक्शन दिया? हाँ, वो ये सर। कौन सी गैस कनेक्शन, कौन सी एजेंसी का कनेक्शन है? ये रही मोन्टू है। तो इसकी कंपनी सर एक माउंडा है इधर, तो वो तो पैसे उससे जमा सारे कागज। अच्छा, मेरे भाई गया था, तेल गिरा। तो फिर आपने वो फ्री वाला नहीं मिला होगा? हाँ सर, पैसे लेके 2,000 रुपए तब दिया है सिलेंडर भी। हाँ, उसके ऊपर डायरी के ऊपर उज्ज्वला लिखा हुआ है क्या? फ्री वाला गैस की डायरी मैं दिखाता हूँ। दिखाओ मोन्टू गैस। एक मिनट में दिखा देता हूँ भाई। ऐसी ऐसी भी समस्याएं हैं लोगों की। ये देखो, ये है, ये आपका घरेलू कनेक्शन कार्ड है। ये वो फ्री वाली योजना का नहीं दिया वो, ये सर, अब इसमें 2,000 नहीं, 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 ये फ्री वाली योजना का नहीं है, उसकी अलग डायरी आती है। ये आपको आपके दिमाग में नहीं थी, इनके दिमाग में नहीं थी ये चीज, लेकिन ये डायरी अलग मिली है। हाँ, तो उसके पैसे तो नहीं लगे ना? नहीं, वो ये ठीक है फिर। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये गरीब लोग हैं जिनको सबको उज्ज्वला में मिलना था कनेक्शन, लेकिन एक कनेक्शन मिला है। कहने का मतलब ये यहाँ से ये चीज निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं ये सब इलिजिबल हैं उस चीज के लिए। देखो इनके सब के घर ऐसे हैं, तो ये लोग जो हैं, ये देखो इनके घर ऐसे हैं, और इनको जो है कनेक्शन मिलना था उज्ज्वला का,
लेकिन इनको पैसे देकर वो वाला जो पैसे वाला कनेक्शन मिला है, एक कनेक्शन उज्ज्वला का है। अब भाई गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना निकाली थी, लेकिन लाभ किनको मिला है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, कितने परसेंट लोगों को कितना लाभ मिला है, इस चीज का ये निष्कर्ष निकल के आता है। ठीक है, ये हो गई आपकी समस्याओं की बात। हाँ सर। अब थोड़ी सी मैं पर्सनल बात करूंगा आपसे। जैसे आप दिन भर में क्या काम करते हैं, कैसे सर? मैं कान का मैल निकालता हूँ, सिंगी लगाता हूँ, बच्चे है जो फेरी फारी करते हैं, जीरा बेचते हैं सर, और कपड़ा वड़ा खरीद के लाते हैं। ये अच्छा, जीरा आप बेचते हैं तो जीरा क्या भाव चल रहा है अभी? ये सर जयपुर से आता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा किलो, दो दो किलो लाकर सर बाड़ों में बेचते हैं। जैसे आपको आपको क्या भाव मिलता है? क्या भाव लाना हो? सच्चाई बता में कोई हर्ज हाँ। नहीं, 280 के लगभग हाँ। मिलता है। अपन गांव में जाते हैं तो क्या भाव बेच देते हैं? बाल में बाल देते हैं सर। मेरा कहने का मतलब, आपको कैसे मजदूरी कितनी मिलती है वो एक एस्टिमेट करता हूँ। 200-300 मजदूरी कर लेते हैं, लग जाता है गाड़ी में तेल डला कर जाते हैं तो 150 रूपए। तो वो 12 महीने वही काम चलता है तुम्हारा? और सर्दियों में और महिलाएं क्या करती हैं, आप क्या करते हैं? सर हम तो कूड़ा कबाड़ा, ये बेचारी कूड़ा कबाड़ा चुनती है सर। अच्छा, बोले तो ये जो प्लास्टिक वगैरह है ये चुनते हैं आप? तो ये फिर कहाँ, कितनी दूर जाना पड़ता है? तो फिर कैसे, एक तो पैदल जाते हैं, कोई गाड़ी साधन है आपके पास? पैदल जाते हैं, किसी से कोई 10-20 रूपए लेके किराए से भी चले जाते हैं। अच्छा, फिर उसको लाएंगे कैसे आप? जैसे ज्यादा वजन हो गया कहीं, सिर पर धर लिया, सिर पे साधन मिल जाता है तो साथ खाली कोई साधन, उससे आपको कुछ मजदूरी मिल पाती है? कितना थोड़ा बहुत? 200-200 रूपए बन जाती है। अच्छा, महिला भी सब काम करती है मतलब आपके? ये भी ठीक है कि आप बैठे नहीं रहते भाई, हाथ तो बटा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। कमाई से क्या होता है? बच्चे हैं, बच्चों का भी तो पेट भरा है, दिन रात ये बरसात में डाला, उनकी फीस भी चाहिए। सरकारी स्कूल में नहीं जाते बच्चे आपके? उसमें भी पैसे लग रहे हैं क्या? उसमें पैसे नहीं लग रहे, सब जा रहे हैं ना स्कूल, तो बच्चे बच्चों को सबको स्कूल भेजो आप, और जो स्कूल नहीं जा रहा उसको थोड़ा समझाओ एबर दोबर, तो वो चला जाएगा स्कूल, जाने लग जाएगा। स्कूल में आजकल चीजें, कई चीजें फ्री मिल रही हैं, और स्कूल में जो लड़कियां हैं वो पढ़ने लग गई तो उनको तो पैसे भी मिल रहे हैं। अब की बार योजना आई है, 1 लाख रुपया मिलेगा लड़कियों को, जो सरकारी स्कूल में लगातार जाएगी ना तो जन्म के बाद में लगातार मिलेगा। तो ऐसी चीज है, बच्चों को भेजो स्कूल, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा करेंगे, आगे हो सकता है वो नौकरी लगेंगे। तो आप तो जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन बच्चों को यहाँ बैठाना मत। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? कई लोग क्या करते हैं, वो कर जाते हैं कि स्कूल दूर है, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं, रोड पे है, सबके बच्चे जाते हैं। सही। इतना डर है, थोड़ा सा छोटा बच्चा है उसको छोड़ के आ जाओ, आप छुट्टी के टाइम में वापस लेके आ जाओ, ऐसा थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ थोड़ा। तो इस तरीके से सजगता और सतर्कता से आप काम करो ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। आप तो कागज पन्नी चुन रही हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा ना करना पड़े, ये मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, समझ रहे हो? थोड़ा पानी का बंदोबस्त करवाना, सर ये बिजली का बिल कम करो, कुछ भी नहीं चला। ये देखो इनकी मतलब इस तरीके की गुजारिशें हैं, इन तरीके की अपील हैं, ऐसी समस्याएं हैं। अभी ये जो महिला है इनसे, हाँ ये आपकी उज्ज्वला में है, इसका पैसा लगाएगा आपको? पैसा भराते हैं, पैसा क्या बात कर रहे हो? गैस भराते हैं ना उसमें पैसा लगता है, पर ये गाड़ी मिली तब। अच्छा अच्छा, अब इनकी भी ये समस्या है भाई, उज्ज्वला में ये जो फ्री वाला कनेक्शन दे तो दिया, लेकिन अब गैस का जो पैसा देना पड़ रहा है तो उसमें भी सक्षम नहीं है ये लोग, इनका कहना है, जबकि ये उज्ज्वला में कनेक्शन इनका मिला हुआ है। तो फ्री मिला था ये? बिल्कुल, एक बार तो आपसे पैसे नहीं लिए ना? नहीं, तो उसका चूल्हा भी मिला था। हाँ। और सिगड़ी वगैरह बोले तो सिलेंडर एक मिला है, सिलेंडर दो, एक दो चूल्हे वाला एक ही सिलेंडर, सिलेंडर एक मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये समस्याएं। अन्य कोई बात आपकी? आप पढ़े लिखे हैं? नहीं सर, सब हम बिना पढ़े। अच्छा, लेडीज कोई भी पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं नहीं, आप में से कोई नहीं? आपके बच्चे कोई पढ़ते नहीं है, सब गंवा रहे सर, ऐसे कैसे रह रहे हैं? बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए आप? बच्चे तो पढ़ रहे सर, आप नाम वाले पढ़ रहे हैं? सर मैं नाम लिख सकता हूँ, मेरा सैन करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? रवि कुमार है मेरा नाम। आप बड़े बड़े हैं क्या? हाँ जी, सबसे बड़ा यही है सर मेरा। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? यही कान सफाई कर रहे हैं सर।
अच्छा, तो उसमें कितना मजदूरी हो जाती है? 250 रुपए सारे बन जाते हैं बरसात के टाइम पे ऐसे। और कई बार इसमें क्या होता है, कान सफाई वाले में कोई ऑब्जेक्शन भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता क्या? नहीं नहीं वो नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, मैंने मुंबई वगैरह में देखा है, तो जैसे आप कान सफाई करने जाते हैं तो कई क्या करते हैं, दूसरे लोग आके ये बोलेंगे तुम डॉक्टर हो क्या, तुम्हारे पास डिग्री है क्या, किसी का कान में वो लग जाएगी, तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ क्या? नहीं नहीं सर नहीं हुआ। और ऐसा आपको पूरा एक्सपीरियंस है, कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर निकालते हैं और गांठ हो जाती है ना महल की, तो डॉक्टर सुनो, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं इसका ऑपरेशन होगा, गांठ जो कम सुनाई देता है हम बिगर ऑपरेशन से निकाल सकते हैं, इतना हुनर है हमारे में। अपने माल लगते हैं 20-25 हजार, हमारा होता है 2-3 हजार रुपया खर्चा होता है बंदे का, बिल्कुल ही कान उसका ठीक कर देते हैं, गांठ निकाल देते हैं। मैं क्या करते हैं उसका, आप कैसे दवाई देते हैं? दवाई गिरते हैं वो तो कान में डाल के निकालना पड़ता है उसको, हाथ से निकाल देते। गांठ बोले तो अंदर की बोले फुंसी की तरह हो जाए तो? हाँ जी वो बंद हो जाता है ना कान, कम बंदे को कम सुनाई देने लग जाता है। अच्छा वो निकाल देते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन होगा कान का, हम बिगर ऑपरेशन। देखो भाई ये भी नई बात है जो आसपास के लोग देख रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं का यहाँ पे समाधान ये बता रहे हैं, तो ऐसी चीज है। इसके अलावा तो उसमें आपको मजदूरी बन जाती है? बन जाती है। कितने लोग ऐसा काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सभी आदमी करते हैं। आपके मतलब मोहल्ले के सभी करते हैं, सबको काम मिल जाता है? बोले सबका काम बोले तो मिलता है क्या रोजाना? सब अलग अलग जाते हैं सर, दूर दूर तक जाते हैं। किराया भाड़ा लगा? कितने दूर दूर तक जाते हो? खेतड़ी सिंगाना। अच्छा उधर भी आपके मोहल्ले वाले लोग जाते हैं? जाते हैं जैसे कोट बानसूर, जैसे खेतड़ी मोड़ ये तरफ चले जाते हैं। अच्छा जयपुर तक घूमने जाते हैं सर, चंडीगढ़ तक चले जाते हैं सर। क्या बात है क्या बात है। तो देखो भाई ये भी इनका इस तरीके का ये काम करते हैं, ये इनकी चीजें। और कोई बात और कोई समस्या, कोई नई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ? और सर यही है समस्या तो। ठीक है अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका जैसे त्योहार कौन कौन से मनाते हैं आप? त्योहार सर हमारे सारे मनते हैं, जितने हिंदू के धर्म के जो त्योहार है ना टोटल त्योहार मनाते हैं सर। विशेष महत्व कौन से त्योहार का? सबसे बड़ा त्योहार हमारा रक्षाबंधन का है सर। रक्षाबंधन सबसे बड़ा जी वो है सर, अभी रक्षाबंधन जो आ रहा है ये है सबसे बड़ा त्योहार हमारे हिंदू धर्म। अच्छा मेन रोजाना आपको खाना क्या बनता है? खाना सर कभी दाल बना लेते हैं, कभी हरी सब्जी बना लेते हैं सर, कभी चावल बना लेते हैं सर, कभी हरी मिर्च की चटनी कर लेते हैं सर। मटन मीट चिकन कितने दिन से बनता है? होते हैं सर कोई इतवार को बड़े बना लेते हैं, बस महीने में 15 दिन में एक बार तभी बनाते हैं सर इतना। और दारू वारू कितने लोग पीते हैं यहाँ पे? हमारे भाई आप कोई दारू, ये दारू का गैप नहीं है सर, पक्का है हमारे में दारू। पुराने तो पीते होंगे बुजुर्ग तो? नहीं सर हमारे पहले में पीता था सर, लेकिन हमने सब बच्चे फैमिली हो गए इतनी तब छोड़ दिया सर। क्या बात कर रहे हो, छोड़ दिया देखो भाई अच्छी बात बताई है इन्होंने कि भाई पहले पिया करते थे लेकिन अब सुधार हो गया। बहुत कई बार अपन सोचते हैं कि कई लोग इस चीज में फंस गए वो छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये अच्छा एग्जाम्पल है, तो जो भी देख रहा है उसको देख कर ये चीज सीखनी चाहिए कि बुढ़ापे में इस तरीके से ये छोड़ सकते हैं, तो आपको भी ऐसी बुरी आदत है तो उसको आप छोड़ सकते हैं निश्चित। कोई दवाई वगैरह ली थी क्या इसकी, कैसे छूट गई? मन से छोड़ दिया मैंने, मेरी आत्मा से छोड़ दिया। पक्का ना? पक्का है, पहले पिता था कच्चे दारू में, तो इसमें नुकसान हुआ आपको बड़ा? नुकसान हुआ ना सर, हाँ तब मैंने छोड़ दिया। बढ़िया, तो इसमें पैसे भी आपने खूब कमाए होंगे? बहुत कमाए फिर कमाए फिर राड़ भी होती थी दोनों जोड़े की, हमारी बुढ़िया की, हमारी घर में झगड़ा, बच्चे जवान 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 हो गए तो ढंग से लड़ाई झगड़ा होता था रोज, बुढ़िया को मारने नहीं देते थे मेरे बेटे, तो चिमटे फूंकने से मारे क्या एक दो बार आप? ऑपरेशन भी हो गए 3-3 पथरी और पड़ गई। नहीं नहीं आपके मारपीट तो नहीं हुई ना? मारपीट तो मेरे बच्चे थे, अच्छा बच्चे मेरे। अच्छा अच्छा समझदार, कई बार हो जाता है घर में ऐसा, इसलिए सर बड़े बड़े बच्चों के मैं छोड़ दिया सब। आपका लड़का है? ये मेरा लड़का है सर। आप क्या करते हैं? क्या क्या नाम है आपका? शिवा नाम। शिवा शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई सर। कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 बच्चे। शादी को कितने साल हो गए? शादी को अपने को 10-11 साल हो गए सर। अच्छा 10-11 साल में 3 बच्चे। तो आपका कौन सा मकान है? नहीं मकान नहीं, ये ही अपना जो कि जो कौन से में रह रहे हो आप? अच्छा अच्छा, तो आपके पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? नहीं है सर पढ़ाई लिखाई करी पढ़े, पर थोड़ा बहुत कागज को पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं। नाम लिख सकते हैं? नाम तो लिख सकते हैं सर।
अच्छा, केवल पैसे को ही जानते हैं, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं जानते। पैसे को तो कितने का भी नोट सब जाने। अच्छा 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 भाई, ऐसी माहौल है, मतलब पढ़ाई लिखाई इनकी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी जो युवा पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, उनको आप पढ़ाओ लिखाओ, सक्षम बनाओ। अब तो पढ़ा रहे बच्चों, है ना, अब तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा कुछ करेंगे। 7 बजे और 1 बजे आ जाते हैं घर, ये जाते हैं सब, ये जाते हैं स्कूल में, सारे टोटल 1 बजे आ जाते हैं सर। ये अच्छी बात है, इनको कभी रोकना मत। नहीं नहीं, पढ़ा रहे हैं सर बच्चों को तो। हाँ, और गुड़िया जो है उसको पैसे 1 लाख रुपया आपको मिलेगा, उसमें सरकारी स्कूल में एडमिशन देना मिलेगा। प्राइवेट जन्म होते ही उसको 2500 रुपए मिलते हैं, उसके बाद वो जैसे जैसे क्लास में होती है उसकी 18 साल की उम्र तक 1 लाख रुपया मिलेगा। अभी ये चालू है स्कीम, उसका लाभ लेने के लिए आप सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाते हो तो उससे बात कर सकते हो। ठीक है, हेडमास्टर से वो बता देंगे, पूरी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं का आप लाभ ले। और यहाँ पे कोई समस्या आपकी जो है, आपने